इफ ए क्वांटिटी ऑफ हीट 1163.4 जूली सप्लाइड इन वन मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस एट रूम टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम देन द राइज इन टेम्परेचर इज, राइज इन टेम्परेचर पूछा कितना होगा, इतनी हीट उसको सप्लाई की गई है एक मोल नाइट्रोजन गैस को रूम टेम्परेचर पे, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, देन द राइज इन टेम्परेचर पूछा गया कितना होगा, यानी कि यू इक्वल टू कितनी हो जाएगी एफ बाई टू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एन आर टी, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है यानी कि वर्क डन बाय गैस जीरो होगा, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है तो वर्क डन बाय गैस क्या होगा जीरो। हमने देखा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो क्या होता है, क्यू इक्वल टू डब्ल्यू गैस प्लस डेल्टा यू, अब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम दे दिया इसका मतलब वर्क डन बाय गैस क्या होगा जीरो, कहीं पे भी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम आ जाए इसका मतलब गैस पे ना तो वर्क हो रहा ना गैस वर्क कर रही, तो वर्क डन बाय गैस क्या आ जाएगा जीरो। तो जितनी आप दोगे वो सारी की किसमें जाएगी इंटरनर्जी को बढ़ाने में, जितनी आप हीट दोगे वो सारी की क्या जाएगी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, अगर आपने बाहर निकाल ली तो वो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी उसके बदले कम हो जाएगी। तो दी कितने आपने 1163.4 जूल, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला एफ बाई टू नाइट्रोजन है तो 5/2, एन की वैल्यू 1 इंटू में आर की वैल्यू 8.31 इंटू में डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर इसने पूछा है, तो यहाँ से आ जाएगा 1163.4 इंटू में 2 डिवाइड बाई में 5 इंटू में 8.31 इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा टी, सोल्व कर लो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपके पास। समझ में आया ये क्वेश्चन? वो तो आप लोगों ने बोला, देखो इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन देख लो बाद में देख लेना, क्वेश्चन है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका मतलब कि वर्क डन बाय गैस क्या है जीरो, तो जितने आप हीट सप्लाई करोगे वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जाएगी, तो क्यू है उसको किसके इक्वल कर दो डेल्टा यू के इक्वल। आपको ये पता ही है कि क्यू इक्वल टू यानी कि क्यू इक्वल टू हो जाएगा एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी के, तो एफ की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू, आर की वैल्यू, डेल्टा टी बताना है, क्यू की वैल्यू पता है, कितना आ जाएगा इसको सोल्व करके 56, डी ऑप्शन आ जाएगा आपके पास।